गाइस वेलकम बैक टू अनदर हॉल वीडियो। यस आज होने वाला है Amazon ब्यूटी हॉल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज की इस वीडियो में आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि मैं Amazon से परचेज किए हुए बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट्स पे मेरे को ये वाली आइटम्स मिल गई थी, क्योंकि Amazon पे भी बहुत भारी भारी सेल चल रही है। प्रोडक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और साथ के साथ अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए जल्दी से, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, सो दैट कि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास जल्दी से पहुंच जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। नाउ लेट्स बिगिन विद टुडेस हॉल। मैंने Amazon से बहुत सारे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स परचेज करे हैं, तो मैंने सारे प्रोडक्ट्स को एक बॉक्स में क्लब कर लिया है। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। आपने इस कंसीलर को मेरे को बहुत बार यूज करते हुए देखा होगा। मैं यहाँ इसमें अपना शेड यूज करती हूँ नंबर 05 एंड नंबर 06 नंबर जो शेड है ना वो जो है ना वो मेरे स्किन टोन के साथ काफी हद तक मैच करता है, तो उसको अपनी अंडर आई को कंसील करने के लिए शेड को यूज करती हूँ। इसकी आउटर पैकेजिंग जो है वो इस तरीके की आपको मिल जाती है, जिसके ऊपर स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर लिखा हुआ है। कवर द ब्लेमिशेस एट वन स्ट्रोक। यस इसकी जो पिगमेंटेशन है वो बहुत अच्छी है। मेरा जो शेड है वो है 06 क्लियर मॉइन, और इसमें आपको 4 ईयर्स की शेल्फ लाइफ आपको मिल जाती है 5.6 ग्राम्स की प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ। ये जो प्रोडक्ट है इसकी MRP आपको 229 की है, बट मेरे को अच्छे खासे डिस्काउंट पे ये 170 का Amazon पे मिल गया था। आपको प्रोडक्ट्स के जो भी प्राइजेस वगैरह है वो स्क्रीन पर मेंशन हो जाएंगे, और शेड नंबर वगैरह भी। जो इसकी इनर पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके की है, प्लास्टिक की पैकेजिंग है, ट्रांसपेरेंट ट्यूब है। इसमें आपको प्रोडक्ट पता चलता है कि आपने कितना यूज किया है, और उसकी जो कैप की पैकेजिंग है वो ब्लैक कलर की है। अंदर से ये मैंने, क्योंकि अभी इसको नया ही खोला है, मैं ऑलरेडी जो यूज कर रही हूँ उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी पड़ी है अभी, तो कुछ इस तरीके की इसकी आपको वॉन्ड मिल जाती है। 2 फुट एप्लीकेटर है और इसकी कवरेज फुल कवरेज है। ये जो 06 शेड है ये बहुत इजीली बहुत अच्छे से मेरे स्किन टोन के अंदर मैच हो जाता है, और इसको जब हम ब्लेंड करते हैं ये कितने इजीली ब्लेंड हो गया आपको पता भी नहीं चल रहा। बट ये आपके पोर, आपके जो भी ब्लेमिशेस वगैरह है, जो भी आपकी अंडर आईज, कुछ भी आपने डार्कनेस वगैरह है वो अच्छे से कंसील कर देता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मेरा मार्स कॉस्मेटिक की ओर से ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर। यस ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है ना इसकी MRP आपको 229 की मिलती है, बट ये आपको Amazon पे 199 का मेरे को मिल गया था ब्यूटी ब्लेंडर। ये कुछ लाइलैक कुछ पर्पल से टोन का है। मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को इसके बारे में बात करते हुए सुना था, सो दैट मैंने सोचा मैं भी एक ट्राई देके देखती हूँ। अदरवाइज मैं कलर बार का ब्यूटी ब्लेंडर यूज करती हूँ, वो भी काफी अच्छा है, बट ये उससे भी ज्यादा स्मूथ है, उससे भी ज्यादा बाउंसी है। अभी मैंने इसको वेट भी नहीं किया है, स्क्वीजर भी नहीं किया है, तभी भी ये बहुत ज्यादा स्मूथ मेरे को लग रहा है। तो लेट्स ट्राई कि कैसा ये रिजल्ट देता है। वैसे इसके बारे में सुना तो बहुत कुछ है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर चलते हैं, तो वो है मेरी लैक्मे 925 की CC कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम। ये जो ट्यूब है ना गाइस, ये मेरी थर्ड ट्यूब मेरी इतनी फेवरेट ट्यूब है ना, कि मतलब इतनी BBCC क्रीम्स आती हैं, गार्नियर की, पॉन्ड्स की, और भी बहुत सारी निकल गई हैं, बट ये जो है ये इतनी इजिली मेरे स्किन टोन के साथ मैच करती है ना। इसमें जो मेरा शेड है वो है हनी। इसकी आउटर पैकेजिंग आपको कुछ इस तरीके की मिलती है। इसकी MRP 335 की है, जो कट करके आपको डिस्काउंट पे 299 की मिल रही थी, बट ये मेरे को और अच्छे डिस्काउंट में मिल गया है, और ये मेरे को मिला है 230 रुपीज में। 30 ग्राम्स की प्रोडक्ट क्वांटिटी है, हनी मेरा शेड है, और इसमें आपको 4 शेड रेंज मिल जाती है हर स्किन टोन के अकॉर्डिंग। मेरा जो शेड है वो है नंबर 202 हनी। अगर आप थोड़ा सा डीप टोन के हैं तो आप ब्रॉन्ज यूज कर सकते हैं, अगर आप उससे भी डीप टोन के हैं तो आप एलमंड की तरफ जा सकते हैं, और फेयर स्किन टोन वाले तो बेस तो यूज कर ही सकते हैं। और साथ के साथ ये सभी स्किन टोन को सूट करता है, और साथ में आपके स्किन को थोड़ा सा हाइड्रेट भी रखता है। प्लस इसमें आपको SPF 30 PA++ मीन्स डबल प्लस का आपको मिल जाता है, मीन्स आपको सन प्रोटेक्शन भी अच्छी खासी दे देता है ये। ये जो मेरा शेड है ना सी, अगर आप मेरे स्किन टोन वाले हो तो आपको बहुत इजीली ये कॉम्प्लीमेंट करता है। मैं रेगुलर वेयर में अगर मेरे को कहीं पे भी जाना होता है
तो मैं फाउंडेशन वगैरह नहीं अप्लाई करती हूँ। मैं मॉइस्चराइजर किया या प्राइमर मैं जरूर यूज करती हूँ, उसके बाद मैं इसको अप्लाई करके क्रीम की तरह या आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर की तरह बिल्ड भी कर सकते हैं एज ए फाउंडेशन। इसको अप्लाई करके आप अपना मेकअप सेट कर सकते हैं और जा सकते हैं। इसके साथ आप मेकअप लुक्स भी बहुत अच्छे अच्छे क्रिएट कर सकते हैं। ये है मेरा शेड 02। ये आपको थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा बट जब आप इसको स्किन पे अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, थोड़ा सा लगता है कि ऑक्सीडाइज हो गया बट आपकी स्किन टोन की तरह ये मैच हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है कलर बार के 2 नेल पेंट्स। सी कलर बार एक ऐसा ब्रांड है जिसमें नेल पेंट्स जो है ना वो 1000+ है, मींस आपको कलर रेंज जो है ना वो 1000+ की मिल जाती है। मैंने इसमें 2 शेड्स परचेज किए हैं। इन सभी शेड्स की मोस्टली जो MRP है वो है 199, बट मेरे को अच्छे खासे डिस्काउंट पे ये शेड्स मिल गए हैं, जिसमें मेरे को ये 139 का एक पीस पड़ा था। इसमें मेरा जो शेड है वो है 1180 महोगनी एंड 404 नैशविल है। ये दोनों शेड ये है डीप कूल टोन ग्रे मिक्स ब्राउन नहीं होता वैसे का शेड है। ये शेड मैंने अप्लाई किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ये वाला शेड है। और जो ये शेड है 404 ये वाला शेड है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा बिल्कुल पीची न्यूड शेड है ना, बिल्कुल वैसे का शेड है। और आपके हैंड्स के ऊपर अप्लाई किया हुआ बहुत बहुत प्यारा करता है, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। नंबर 1 फिनिश बहुत अच्छी है, क्विकली ड्राई हो जाता है, काफी देर तक स्टे करता है, नेल्स को बिल्कुल भी चिप नहीं करता। सेकेंडली पिगमेंटेशन काफी अच्छी है, आपको एक स्वाइप में अच्छी मिल जाती है बट अगर आप 2 इसकी लेयर्स कोट कर लेते हैं तो बहुत बहुत अच्छी खासी आपको पिगमेंटेशन मिल जाती है। बिल्कुल भी वॉटरी कंसिस्टेंसी नहीं है, मीडियम कंसिस्टेंसी है, तो आप इसको एक ट्राई दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, तो वो है ब्लू हेवन का फ्लॉलेस फिनिश पाउडर, रेडियंट फिनिश लॉन्ग स्टे पाउडर है, लॉन्ग लास्टिंग एचडी मेकअप लाइट वेट फॉर्मूला शाइन कंट्रोल पाउडर। इसमें जो मेरा शेड है वो है नेचुरल और इसकी MRP जो है वो 125 की है, प्लस ये आपको 36 मंथ्स विच मीन्स 3 इयर्स की शेल्फ लाइफ प्रोवाइड करता है। ये जो लूज पाउडर है ना इसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है, ये आई गेस 20 ग्राम्स की क्वांटिटी आपको मिल जाती है। बाहर से पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है और 20 ग्राम्स की प्रोडक्ट क्वांटिटी प्लस आपको 125 की इसकी MRP है और डिस्काउंट के बाद तो आई गेस मेरे को 100 रुपीज के आसपास का कुछ पड़ा था ये। और इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, इसके ऊपर भी आपको प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी MRP वगैरह, इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह कुछ ना कुछ सब कुछ मोस्टली इसमें चीजें जो है वो मेंशन की गई हैं। पैकेजिंग नॉर्मल पैकेजिंग है बट प्लस पॉइंट ये है कि काफी कुछ इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। जब आप इसके लिड को खोलते हैं तो आपको इसके अंदर ये एक छोटा सा स्पॉन्ज मिलेगा और साथ में आपको ये पाउडर मिलेगा। मैंने जो शेड ऑर्डर किया वो है नेचुरल, इसमें भी 3-5 शेड्स आते हैं सी, और बहुत ही स्मूथली ये ब्लेंड हो जाता है सी। जितने इसका प्राइस रेंज है उस अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, अगर आप बिगिनर है तो इसको एक ट्राई जरूर दे सकते हैं। लूज पाउडर कुछ अफोर्डेबल कैटेगरी में ढूंढ रहे हैं तो ब्लू हेवन का ये वाला लूज पाउडर बहुत अच्छा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है स्विस ब्यूटी का फ्यूजन हाइलाइटर सी, कुछ इस तरीके का ये हाइलाइटर है। इसमें मेरा जो शेड है वो है 04, 299 की इसकी MRP है बट आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन पे मिल जाते हैं। सबसे मेन बात ये है कि स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट होते सुपर डुपर अफोर्डेबल है बट क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी होती है। इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, मेरे को इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल स्क्वायर शेप की इसकी पैकेजिंग है और कुछ प्लास्टिक की पैकेजिंग है, लिड आपको ट्रांसपेरेंट मिलती है, अंदर से ऐसे का प्रोडक्ट है। मेरा जो शेड है ना मेरे को ये शैम्पेन सा शेड नहीं होता, बिल्कुल वैसे का शेड लगता है। और अगर इसको अप्लाई करके देखें वाओ, बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है और एक स्वाइप में बहुत अच्छी पिगमेंटेशन दे रहा है इसकी, कितना अच्छा ग्लिटरी, कितना अच्छा लुक दे रहा है। ग्लो देखिए आप एक ही बार में, कितना अच्छा ग्लो इफेक्ट आ रहा है इसमें। इसमें आपको काफी अच्छी शेड रेंज मिल जाती है तो आप इसकी तरफ बिना झिझके जा सकते हैं इसके। ओके गाइस, तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मेरे पास मेबलिन का नंबर 25 मीडियम कंसीलर।
ये जो कंसीलर है ना, ये इसको मैं यूज करती हूँ एज ए हाइलाइटर कंसीलर। ये मेरा ओल्ड कंसीलर है, मैंने इसको रीस्टॉक किया है क्योंकि मेरे को ये इतनी अच्छी डील पे मिल गया। इसकी एमआरपी है 475, बट आप जानते हैं मेरे को कितने में मिला, ये 307 मीन्स ऑलमोस्ट 300 रुपीज में मेरे को मिल गया है। और मैं इसको एज ए हाईलाइट पर्पज के लिए यूज करती हूँ। इसका मैं अगर आपको कलर दिखाऊं, अगर आप मेरे स्किन टोन वाले हैं तो आप इसको एक ट्राई जरूर दे सकते हैं। वैसे भी आपको पता है कि मेबलिन की जो फिटमी रेंज है ना, ओ माय गॉड, इतना अच्छा रिजल्ट है ना फिटमी का। अगर आप फाउंडेशन यूज कर रहे हो, कॉम्पैक्ट यूज कर रहे हो, मैंने सब कुछ यूज करके देखा है, देखिए इतने इजिली ये ब्लेंड हो जाता है आपके हैंड के ऊपर। देखिए बिल्कुल ही मिक्स हो गया है आपके हैंड के साथ, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, इजिली ब्लेंड हो जाता है, ड्राइनेस नहीं प्रोवाइड करता। बट आपने इसको अच्छे से ब्लेंड करके आपने इसको किसी भी लूज पाउडर के साथ अच्छे से सेट जरूर कर लेना है। मैंने अभी भी इसको अप्लाई किया हुआ है अपने अंडर आई एरियाज को ब्राइटन अप करने के लिए, तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छी खासी शेड रेंज मिल जाती है, मोस्टली सब स्किन टोन के लिए कोई ना कोई शेड आपको जरूर 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 मिल जाता है इसमें, तो आप फिट मी रेंज की तरफ तो जरूर जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है गाइस वो है लैक्मे की एब्सोल्यूट रेंज में से नेल पेंट जो है जेल स्टाइलिस्ट। ये जो नेल पेंट है इसकी आपको 3 इयर्स की शेल्फ लाइफ मिलती है, 250 एमआरपी है, बट मेरे को ये 210 के आसपास मिल गया था। इसमें मेरा जो शेड है ना वो है 21 गम ड्रॉप। ओके, इस शेड का आपको मैं प्लस पॉइंट ये बताती हूँ कि ये अच्छे से अप्लाई हो जाता है, अच्छी फिनिश देता है, पिगमेंटेशन अच्छी है, कलर बहुत प्यारा है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब मैंने पिक देखी थी इसकी तो ये मेरे को बहुत ज्यादा थोड़ा सा डीप पर्पल कलर नहीं होता, ये मेरे को मिला है एज ए लाइलैक कलर। मैंने इसको एक्सपेक्ट किया था डीप पर्पल कलर, बट अदरवाइज ये कलर बहुत अच्छा है। अगर आप अच्छा लाइलैक कलर ढूंढ रहे हैं तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं गाइस। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है फेक नेल्स। यस, ये 100 पीसेस का सेट है, इसमें आपको 100 नेल्स मिल जाते हैं। इसकी जो एमआरपी है गाइस वो है 599 व्हिच मींस 600, बट मैंने जो इसको लिया था वो है 199, 200 में मैंने लिया था। और अब मैंने जब इसको आज चेक किया तो ये 85 रुपीज का था, यू नो 85 रुपीज में 100 नेल्स आपको मिल जाते हैं, प्लस आपको इसके साथ में एक ग्लू भी मिलती है कि जिसके साथ अपने नेल्स को स्टिक कर सकते हो। और मैंने अभी भी यही वाले सेम नेल्स इस ग्लू के साथ स्टिक करके लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। देखिए बिल्कुल भी फेक नेल्स नहीं लगते। अगर आप नेल पेंट अप्लाई कर लेते हो अपने मनपसंद का, अपने जो भी आपका ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको बिल्कुल भी ये फेक नेल्स नहीं लगते, नेचुरल नेल्स का लुक ही देते। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है इनसाइड कॉस्मेटिक का हाइलाइटर। इसमें मैंने जो शेड लिया है वो है 03 एंजेलिक ब्यूटी, जिसमें आपको 3.5 ग्राम्स की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाती है। ये जो प्रोडक्ट था ये है, इसकी एमआरपी 99 रुपीज है और ये मेरे को 99 रुपीज का ही मिला था, इसमें मेरे को कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला था। बट गाइस इसकी पैकेजिंग देखिए, इसमें मेरे को कोई भी आउटर पैकेजिंग रिसीव नहीं हुई है अमेजोन की तरफ से, या ब्रांड ने ही कोई भी इसकी आउटर पैकेजिंग नहीं रखी है, कोई भी कार्डबोर्ड की पैकेजिंग नहीं है। द नेगेटिव पॉइंट इज मेरे को इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं पता, मेरे को इसकी एक्सपायरी नहीं पता, मेरे को इसकी यहाँ पे कहीं पे भी कुछ कॉस्ट नहीं पता, जस्ट बिल आया था 99 रुपीज का तो वहां से पता है। प्लस पॉइंट इज ये 99 रुपीज में आपको एक क्रीम हाइलाइटर मिल जाता है, बहुत अच्छे खासे 6 की 8 शेड रेंज आपको मिल जाते हैं। और मेरा जो शेड है 03, ये कुछ गोल्डन टिंट का शेड है और इसकी ब्लेंडेबिलिटी भी बहुत बहुत अच्छी है। कहाँ अप्लाई करूँ, क्योंकि बहुत सारे मैंने कंसीलर वगैरह अप्लाई किए हुए हैं तो आपको दिखेगा कि नहीं। वन स्वाइप, क्रीमी फॉर्मूला है, विंटर्स के लिए बेस्ट फॉर्मूला है। बट एक चीज जरूर कहूंगी कि जब भी आपने इसको अप्लाई करना है ना, तो आप पाउडर प्रोडक्ट के ऊपर मत अप्लाई करना। लाइक अगर आपने फाउंडेशन या ब्लश वगैरह कुछ लिक्विड अगर अप्लाई किए हुए हैं या क्रीमी अप्लाई किए हुए हैं उसके ऊपर ही आप ये क्रीम बेस्ड फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, नहीं तो ये थोड़ी सी पैचीनेस हो जाएगा या आपका जो पाउडर प्रोडक्ट है ना वो अपनी जगह से हिल जाएगा। बट अदरवाइज इसकी जो है ना, मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, देखिए देखो लुक, इसकी फिनिश जो है वो नेचुरल लगती है एज कंपेरेटिव टू पाउडर प्रोडक्ट। पाउडर प्रोडक्ट की जो है ना वो लगता है कि आपने कुछ लगाया हुआ है फेस के ऊपर, कुछ
इसमें बिल्कुल भी कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं है। इसकी फिनिश जो है वो बहुत ही नेचुरल लगती है। इसको आप अपने फाउंडेशन के नीचे भी लगा सकते हैं, इसको आप एज ए आई शेडो भी यूज कर सकते हैं आप। ओके गाइस, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है मैनिक्योर किट। ये है अर्बन मैक की 12-in-1 स्टेनलेस स्टील मैनिक्योर एंड पेडिक्योर ट्रेवलिंग ग्रूमिंग पर्सनल केयर टूल किट 699 की। बाहर से इस पैकेजिंग में मेरे को रिसीव हुआ, अंदर कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है, और उसके बाद ये है इसका एग्जैक्ट पैकेजिंग। इसमें आपको 12 टूल मिल जाते हैं। अपने मैनिक्योर एंड पेडिक्योर के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ट्रेवल फ्रेंडली है। आपको 3 साइज के इसमें नेल कटर्स मिल जाते हैं, एक सीजर मिल जाती है, एक ट्वीजर भी मिल जाता है। आप अपने इसमें आप अपने हेयर्स को भी ट्वीज कर सकते हो। आपको एक क्यूटिकल कटर भी मिल जाता है, प्लस आपको जो भी अपने क्यूटिकल पुशर्स वगैरह वो सब कुछ इसमें आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। 12 टूल्स का ये किट है। मेरे को जो ये पड़ा था 699 की इसकी MRP है, बट मेरे को 269 रुपीज का, ऑलमोस्ट 270 रुपीज का मिला था। बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल गया था। बहुत अच्छा खासा प्रोडक्ट है, क्वालिटी भी बहुत फाइन है। तो आप अगर ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा खासा प्रोडक्ट मैनिक्योर एंड पेडिक्योर के लिए घर पर ही करने के लिए, क्योंकि हम पार्लर्स वगैरह तो मोस्टली अवॉइड ही कर रहे हैं जाना, तो आप इसकी तरफ जरूर एक ट्राई दे सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ओके गाइस, तो चलते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट की ओर, वो है लिपस्टिक। फर्स्ट जो लिपस्टिक है वो है मार्स कॉस्मेटिक की तरफ से। इसमें जो मेरा शेड है वो है 14 नेक्स्ट डे। ये है मार्स कॉस्मेटिक की नॉन ट्रांसफर बटर स्टिक। इसका फॉर्मूला गाइस एकदम बटरी फॉर्मूला है। अप्लाई करते टाइम इतना मक्खन की तरह आपके लिप्स के ऊपर ड्राई कर अप्लाई हो जाता है। उसके बाद ये आपके लिप्स के ऊपर 6-7 hours इजिली स्टे करता है, कंप्लीटली मैट हो जाता है, कंप्लीटली ट्रांसफर प्रूफ हो जाता है। ऑल द जब तक आप कोई ऑयली मील नहीं लेते, जब भी आपने कुछ भी ऑयली मील लिया है तो ये फेड जरूर हो जाता है, आपको रीअप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर आप कुछ वाटर कॉफी वगैरह कुछ लेते हैं, ये ट्रांसफर वगैरह नहीं करता और पूरा दिन आपके लिप्स के ऊपर स्टे करता है। यस, अगर आपके लिप्स ड्राई हैं तो आप इसके नीचे लिप बाम जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो ये आपके लिप्स को ड्राई कर देगा। फुल डे स्टे करने वाली नॉन ट्रांसफर प्रूफ, लाइक अ लिक्विड लिपस्टिक होती है ना, वो बुलेट फॉर्म में है, तो इसका ये फॉर्मूला है। इसमें आपको कलर रेंज बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। आई गेस 20+ शेड इसमें आपको अवेलेबल मिलते हैं। मेरा जो शेड है वो है 14 नेक्स्ट डे। ये ब्राइट रेड कलर है, मैंने अप्लाई किया हुआ है, बट एग्जैक्ट ये शेड नहीं, क्योंकि मैंने इसमें 2-3 शेड मिक्स किए हुए हैं। ये ब्राइट रेड कलर है। ब्राइड्स के लिए, वेडिंग्स के लिए भी ये कलर बहुत प्यारा है। ओके, तो चलते हैं लास्ट लिपस्टिक की ओर, वो है मेबलिन। अगर हम लिपस्टिक्स की बात करें तो मेबलिन पीछे कैसे हट सकता है। यस, तो ये है मेरे पास मेबलिन की क्रीमी मैट कलेक्शन में से शेड नंबर 506 टोस्टेड ब्राउन। मोस्टली ये कलर जो है वो आउट ऑफ स्टॉक रहता है, क्योंकि ये कलर, आई लव दिस कलर, इतना प्यारा है। टोस्टेड ब्राउन, ब्राउन न्यूड कलर, सुटेबल फॉर एवरी स्किन टोन। बिल्कुल मक्खन की तरह ग्लाइड हो जाता है। डेली यूज में आप इसको वेयर कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग है, ऑफिस गोइंग है, तो आपके लिए परफेक्ट शेड। आपको किसी तरफ सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप ये शेड अप्लाई कर लीजिए। इंडियन, वेस्टर्न सभी अटायर के साथ अच्छा लगता है और सभी स्किन टोन को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। तो गाइस, ये था टुडेस Amazon हॉल। सारे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स जो भी मैंने Amazon से परचेज किए हैं वो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक थम्स अप जरूर दीजिएगा। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं, किसी शेड के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऑल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। जल्दी मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। Bye-bye, take care.